हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में श्री धर्मेश पे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की अब तक 15 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 16, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। और ऐसे सवाल मैंने प्रीवियस की जो क्लास थी, यानी कि पिछली जो क्लास थी, उसके लास्ट में मैंने एक सवाल केवल कराया हुआ था। यानी कि इस टाइप के सवाल की शुरुआत हो चुकी थी और आप इसी टाइप के सवालों को आज देखेंगे, जो कि लगातार हर साल पेपर में जरूर से जरूर आ जाता है। एक ना तो एक सवाल देखिए, एक व्यक्ति दो कुर्सियां प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है, इस प्रकार उसे एक 25% की हानि, एक पे लिख लीजिए, एक पे 25% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में हुई हानि ज्ञात करें। यहाँ पे आपको पहले से बता दिया गया है कि क्या हो रही है, पूरे लेन देन में हानि हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं बतानी है, आपको केवल हानि बतानी है कितनी हुई, वो भी रुपया में। किसमें बतानी है? रुपया में। जिसकी इच्छा हो वो परसेंटेज में निकाल के भी बता सकता है, जिसकी इच्छा हो वो रुपये में बता सकता है। और जब आप पेपर देंगे तो वहां पर जो ऑप्शन दिए हों आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। कई बार क्योंकि परसेंटेज लिखा नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन होते हैं कि परसेंटेज भी दिया हो और रुपए में भी दिया, तो आप रुपए वाले पे ही टिक करिएगा, परसेंटेज वाले पे नहीं। देखिए, इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। सीपी सीपी, एसपी एसपी, ठीक, एक पे 25% की हानि होती है तो दूसरे पे 25% का लाभ होता है। दोनों ही मामलों में सीपी क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक, ये लॉस हो गया तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। यानी कि सीपी कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक। यहाँ पे अगर लॉस लिखें तो माइनस का, प्रॉफिट लिखें तो प्लस 1 का, ठीक। अब यहाँ पे अगर 4 का क्या है बोलो, सीपी है और 1 का लॉस है, तो इस पर क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे 4 है और 1 प्रॉफिट है, यानी कि इस पर कितना होगा? 5। अब दोनों को 120 रुपए में बेचा जाता है, दोनों को, यानी कि एसपी हमारा क्या है? सेम है, तो हम इसे गुणा कर देंगे इसको 5 से और इसको 3 से, तब ये हो जाएगा 15, तब ये हो जाएगा 15। और इस पे अगर ध्यान दें तो ये -5, ये +3, और ये 5×20, ये 3×12। समझ में आ गया कि नहीं? अब थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सीपी देखिए बदल गया, पहले 4×4 जो थे अब वो कितने हो गए? 20 और 12 हो गए, यानी कि कुल लेन देन पे जो सीपी है हमारा वो कितना है? 32 रुपये है, ठीक। और क्योंकि 120 रुपए में बेचा गया था, तो यानी कि एसपी जो है वो इक्वल करते हुए कुल लेन देन का जो एसपी है वो हमारा कितना है? 30 रुपए। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, अब इस पे आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं कि सीपी 32 था, एसपी 30 था, तो 2 का आपका लॉस हुआ होगा, वरना -5 + 3 तब भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा माइनस का। समझ में आ गया कि नहीं? कई तरीके होते हैं पता करने की कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 का क्या हो गया? घाटा हो गया। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में बताना था कि रुपए में, तो रुपए में आप देखिए कि 120 रुपए में अगर उनको बेचा है तो कुल एसपी रहा होगा 240। कुल एसपी कितना रहा होगा? 240। और कुल एसपी है कितना? 30। 30 का मान 240, एक कमान 80, 8, एक कमान 8, सॉरी। तो सीपी से निकालिए 32 से, तो कितना हो जाएगा? 8×3 = 24, 256। कितने का लॉस होगा? 16 रुपये की हानि, यही हो जाएगा आंसर। अब आप कहेंगे कि सर आप भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो बेटा मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को ये करके बताया कि जिन्हें डायरेक्ट किस पे समझ में आता है? एसपी और सीपी पे आता है,
वरना एक का मान अगर 8 था और 2 क्या हो रहा था, कुल लेन देन पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कितने का, 2 का। तो यहाँ से 2 का मान निकाल देते, आंसर कितना आ जाता, 16, 16 रुपए की क्या आ जाती, हानि, और यही आंसर हो जाता। ठीक, तो ये उन बच्चों के लिए है जो पहले एसपी से फिर सीपी निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 240 में उसने बेचा, 256 में खरीदा, 16 रुपए की हानि हुई। तो बेटा एक का मान अगर 8 था और 2 की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, चाहे इस पे देख लो चाहे यहां से देख लो। ठीक, तो 2 का मान कितना हो जाता, 16 हो जाता। हर एक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और तरीकों से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बिना समझे आप लोग हिलिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, देखते रहिए मैथ्स विद धर्मेश, नोट कर लीजिए। बढ़िया सवाल है ये सब, इनमें बच्चे कई बार क्या होता है कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे एसपी सीपी बराबर करें, कब एसपी बराबर होगा, कब सीपी बराबर होगा। तो जो इंग्लिश में बात करते हैं, दोस स्टूडेंट्स आर सो मच कंफ्यूज, दे कम टू चैनल मैथ्स विद धर्मेश, आई विल मेक यू कंप्लीट अंडरस्टैंड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल हैव नो डाउट इन योर माइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा, देखिए सवाल। देखिए सवाल को, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तथा दोनों पर 25% की हानि होती है तो कुल व्यापार पर कितने परसेंट की हानि होगी। बेहद आसान सवाल, बस आप लोग को एक बार बता देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन लैब में करा दूंगा तब भी आप लोग समझ जाएंगे, देखिए कैसे समझना है। देखिए दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर 25-25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, सीपी लॉस, एक ही से निकाल देते हैं क्योंकि दोनों पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी, ये एसपी, तो 4 अगर सीपी होगा तो -1 क्या होगा, लॉस, तो 3 होगा, 4 होगा -1 लॉस, 3 होगा। सिंपल, कोई भी डाउट किसी को। अब यहाँ पे देखिए दोनों को समान मूल्य पर बेचा भी जा रहा है, ठीक है, और 25-25% की हानि भी हो रही, तो ऐसे में जो आप लोग निकालेंगे तो 4 4 8 क्या हो जाएगा, कुल सीपी हो जाएगा, कुल सीपी, और 3 3 6 क्या हो जाएगा, कुल एसपी हो जाएगा, यानी कि 2 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कितने पे, 8 पे गुणे 100, यानी 2 चक्को 8 और 25 चुके 100, 25% की क्या हो जाएगी, कुल हानि आपको उठानी पड़ेगी। जब आप दोनों वस्तुओं को 25-25 हानि यानी कि समान हानि पे बेचेंगे, दोनों पे हानि प्रतिशत का मान क्या होगा, बराबर होगा, तो आपका आंसर भी उतना ही आएगा जितने पे दोनों वस्तुओं पे इक्वल अमाउंट की हानि अथवा लाभ हो रहा होगा। ऐसा ही सवाल एक और आपसे कराएं, आपके लिए लेके आएंगे, कराएंगे जो भी समझ लीजिए। कई बार बोलते बोलते थोड़ा थक जाता है इंसान, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फॉर एवरी एंड ईच क्वेश्चन, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए फिर से समझ लीजिए कि 25-25% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, तो एक से ही हमने निकाल दिया तो सीपी क्या आ गया, 4 आ गया, एक का लॉस तो 3 क्या आ गया, एसपी, दूसरे में भी 4, एक का लॉस, 3 क्या आ गया, एसपी। अब कुल एसपी 8 रुपए आ गया, कुल सीपी 8 रुपए, कुल एसपी 6 रुपए, 2 का क्या हुआ, लॉस हो गया, ये लॉस परसेंटेज कितने पे, 8 रुपए पे, कितना आ गया, 25% की टोटल हानि, कुल व्यापार पे उसको कितने का घाटा हुआ, 25% का घाटा हो गया, नोट कर लीजिए। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, तब तक इस दुखियारे भरे पेन में मैं नई ज्योति उमंग और इसको मोटिवेशन देता हूं।
इसकी लाइफ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ये बड़ा डिप्रेशन में है ये मारकर, तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने ज्ञान रूपी जो मेरे पास ज्ञान है उससे मैं इसमें नई जान डालूँगा और ये फिर से मोटिवेट होके तैयारी करने लगेगा और आप लोगों के सामने तरोताज़ा होके दिखेगा। और ये भी क्या करेगा, इसे अच्छी क्वालिफाई कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए बच्चों अगले सवाल, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तथा दोनों पर 40-40% का लाभ हो तो कुल व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा गया। और आप लोग आंसर भी जानते होंगे कि 40% आएगा। बच्चे क्या बता रहे हैं बता, पिछले क्वेश्चन के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती है, फिर लाइट गई, लाइट का यही सीन है, आती है जाती है। देख लीजिए दिख रहा है बराबर, क्लास कंप्लीट कर लें या फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ठीक है थोड़ी लोग है काम चलाइए अब। कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो दोनों पर 40-40% का क्या होता है, लाभ होता है। तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक मैंने जो आप लोगों को समझाया और करके दिखाया उसके मुताबिक क्या होता है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं और उन पर क्या हो रहा हो, इक्वल अमाउंट का ही लॉस या फिर प्रॉफिट हो रहा होता है, तो आपका आंसर भी कितना परसेंट आएगा, उतना ही आएगा जितना कि उसमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा। देखिए 40% का मान आप लोगों को पता है 2 पत्ते 5 होता है, 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100, यानी कि ये सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट हो रहा है दोनों में, तो 2 = 7 हो जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा। देखिए एसपी भी कितना आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि 14 रुपये क्या आ गया, एसपी आ गया, 10 रुपये क्या आ गया, कुल सीपी आ गया, यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 / 10 कितना आ गया, 40% आ गया। क्या आया, लाभ आया, यही क्या है आंसर। क्योंकि आप लोग ऐसे भी देख सकते कि 2 का अगर यहाँ प्रॉफिट, 2 का यहाँ प्रॉफिट, तो यानी कि 4 का क्या हो रहा है, पूरा प्रॉफिट हो रहा है। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, सरल सवाल हैं, पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं, पेपर में आए हुए हैं ये सवाल, इतने बढ़िया तरीके ढंग से फिर आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं, जितने अच्छे तरीके और मेथड से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। नोट कर लीजिए, बहुत गर्मी लग रही है, आप लोगों को पंखे की आवाज़ जो आ रही थी वो अब नहीं आ रही होगी, तो आप लोग खुद समझिए कि लाइट का क्या हो गया, अभाव हो गया, कटौती हो गई लाइट की, बिना लाइट शहर में रहना बहुत मुश्किल है। हो गया भाई ये क्वेश्चन हो गया, तो अगला क्वेश्चन तब करेंगे जब लाइट आ जाएगी। तो ये मत समझिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर क्लास ख़त्म हो रही, क्लास अभी इसी के आगे कंटिन्यू होगी, आप लोग तब तक ये सवाल लगाइए। आप उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल अब आएंगे, जितने पे भी इक्वल अमाउंट का लॉस या प्रॉफिट होगा, उसका आंसर वही है होगा, आंख बंद करके आप टिक कर दीजिएगा, इतना मेरे पे आप भरोसा रखिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा, देखिए सवाल को, देखिए इस क्वेश्चन को, दो वस्तुओं को 500 रुपये में बेचा गया, एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होता है। देखिए आप लोग दो सवाल ऐसे ही कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कई बार अटक जाते हैं, इसलिए 3-4 सवाल ऐसे टाइप के मैं करा रहा हूँ। पिछले सवाल जो थे वो 2 ही सवाल थे, वो टाइप खत्म हो गया। देखिए ये जो दिया होता है 500 रुपये, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक, एक पर 40% का लाभ हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये उन सब की तरह ना समझिएगा कि ये भी उसी तरह है और इसी तरह लगा लेंगे।
सॉरी सीपी एस पी, सीपी एस पी, ठीक। तो 5 सीपी है, 40% का लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 2 का, तो 7 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक। 10% की हानि हो रही दूसरे वस्तु का, यानी कि 1/10, तो ये 10 होगा, ये माइनस है, ये लॉस हो रहा है, तो ये 9 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? 10 सीपी, एक वस्तु 5 में खरीदी गई, 7 में बेची गई, 2 का प्रॉफिट, एक 10 में खरीदी गई, -1 में बेची गई, 9 एसपी। अब हमें क्या करना है, एसपी और एसपी बराबर करना है, तो 9 7 63 और 7 9 63, ये 63, ये 63, ठीक। 9 5 45, 9 10 90, क्लियर। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये 18 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, इसको 7 से गुणा कर रहे हैं, सॉरी सॉरी 70 हो जाएगा, बुढ़े 7 है ये बुढ़े 9, तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि 11 का इस पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये आपको पहले से ही पता चलेगा। अब इसको टोटल देखेंगे, वरना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 11 का प्रॉफिट 115, तो ये कितना हो जाएगा 126। अब आप देख सकते हैं कि 11 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 11 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको भाई राउंड ऑफ कर लेना, लाभ आंसर। कुछ गलत तो नहीं हो गया? एक को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 10 एसपी हो जाएगा 9, 5 2 7, ठीक है, 11 का ही आ रहा है। नोट कर लिए फटाफट, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल ये पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ी क्या हो टफ। हो गया, बताइए जल्दी करिए भाई। इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 2 वस्तुओं को 500-500 रुपए में बेचा गया, तो हमने क्या कर दिया, इसपे क्या कर दिया, बराबर कर दिया, एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि, तो कुल कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होता है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, इसी के जैसे सवाल, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव। देखिए आज की क्लास के आखिरी सवाल को, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस मैंने कर दिया है जिसपे ये सवाल पूरा पलट जाएगा। देखिए, 2 वस्तुओं को 500-500 रुपए में बेचा गया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में खरीदा गया, यानी कि सीपी इक्वल करना है, तो सीपी क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, एक पे 40% का लाभ हो रहा था, यानी कि 2/5, एक पे 10% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, यानी कि 1/10, तो ये 5 था, 2 क्या था, प्रॉफिट था, लॉस यहाँ पे, ठीक। अब सीपी हमें इक्वल करना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 10 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 7 14 हो जाएगा, टोटल एसपी हमारा हो जाएगा 23, 9 4 13, टोटल सीपी हमारा हो जाएगा 20, 3 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि +4 -1, यानी कि 3 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो 3 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 20 पे गुणे 100, 20 5 100 5 3 15% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं कि 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आप ना भी निकालिए तब भी चल जाएगा, ये आप तब निकालना जरूरी होता है जब मतलब कि एसपी की बात कर रहे हो, बेचे पे बात कर रही हो, यहाँ पे खरीदे की बात कर रही हो,
कर रहा था तब भी ये निकालेंगे और वरना नहीं देखेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ही मान लीजिए कि प्रॉफिट हमने देख लिया, उसके बाद सीपी देख लिया, आपको तो खुद पता है कि लॉस परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो सीपी पे ही निकाला जाता है। तो हमने बीच में प्रॉफिट और लॉस अपना जोड़ दिया कि कितने का हो रहा है, और सीपी पे हमने सवाल को निकाल दिया। बस एसपी आपको क्या करना है, इक्वल करना है, कब, जब इक्वल अमाउंट में बेचा जा रहा हो। सीपी आपको तब इक्वल करना है जब इक्वल अमाउंट में खरीदा जा रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं, बस इतना अंतर है दोनों क्वेश्चन में। इक्वल करने के बाद आप सीपी पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू देख के परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए। आंसर आप लोगों का एकदम सटीक होगा, सही होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ये था आज की क्लास का आखिरी सवाल, आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो भी लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 10+2 जो कि सीएचएसएल ही कहा जाता है, कई बार सब फंस जाते हैं माउंट में, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एनटीबीसी ग्रुप डी इन सब टाइप के एग्जाम, यूपीएसआई कॉन्स्टेबल, ये सब जो भी एग्जाम होते हैं, आप जो है प्लेटफॉर्म मैथ्स विद धर्मेश पे आके आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स की, वो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आके नई नई ट्रिक्स और मेथड्स सीख सकते हैं। पूरी मैथ आपको यहाँ पे बेसिक और एडवांस तरीके से पढ़ाई जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था बीच में, आप जानते हैं लाइट चली गई थी, तो उस वक्त मैंने सोचा कि जब तक पानी पी लिया है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बार बार डकारे आ रही। चलिए वीडियो आज की समाप्त हो गई, मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।